हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी इंडियन इकोनॉमी, पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है ना। दो पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पार्ट नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं और इसके बाद फिर इसके एक नंबर के क्वेश्चन है वो भी साथ में खत्म करेंगे, हो सके तो, ठीक है ना। चलो, हमने लास्ट पार्ट में जाते थे, मैंने कहा था आपको मैं तीन पॉइंट को समझा दूंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट था उसमें से कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण यानी फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर का क्या किया गया, उन्होंने फोर्सली कॉमर्शलाइजेशन यानी व्यापार में धकेलने की कोशिश की, किसको, कृषि को, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय। सबसे पहले देखो, मैंने डेफिनेशन लिखवा रही है ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। यहाँ पे मैंने लिखा है, कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय निर्वाह खेती अर्थात स्वयं के उपभोग के लिए। देखो, निर्वाह खेती क्या होती थी, जो स्वयं के उपभोग के लिए होती थी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि स्वयं के लिए जो उपभोग के लिए जो खेती होती है ना, उस वो नहीं करनी, उसके अलावा आप जो प्रोडक्शन करोगे ना, सब बाजार में बेचना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कृषि का व्यापारीकरण यानी आपको व्यापार करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो निर्वाह खेती होती ना, उसको प्राथमिकता नहीं देते थे। यहाँ पे कौन सी वाली खेती को प्राथमिकता देते थे, नकदी खेती यानी नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप। क्या होता है, कैश क्रॉप्स यानी कैश मतलब नकद यानी नकदी फसलें, ठीक है ना। तो उसने बोला कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय निर्वाह खेती अर्थात स्वयं के उपभोग के लिए खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए क्या करना, नकदी फसलों की खेती करना। बात समझ आ गया। यानी कोई आपसे पूछेगा फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण को समझाओ, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले व्यापारीकरण को समझाना, उसका मतलब होता है कृषि का व्यापारीकरण मतलब निर्वाह के लिए जो खेती करते हैं वो निर्वाह के लिए नहीं करनी है, आपको बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करना है, ठीक है ना। आगे लिखा है, इसके अंतर्गत कृषकों यानी जो फार्मर्स होते थे को नकदी फसलों को उगाने के लिए क्या किया जाता था, बाध्य किया जाता था। यानी उनको फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ कैश क्रॉप ही उगाओगे, खुद के लिए नहीं करना प्रोडक्शन, बस मैं अपने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन नहीं करना, आपको सिर्फ बाजार में बेचने के लिए ही प्रोडक्शन करना है। अब वो जैसा होती थी, सूत हो गया, गन्ना हो गया, पटसन हो गया, नील की खेती हो गया, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। नील, नील तो आपको पता ही, नील का कितना ज़्यादा वो अंग्रेजों ने यूज़ किया था, बोला था इंडिया वालों को लगा दिया था काम पर, तुम इसी को उगाते रहो, है ना। चलो, अब यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, छोटी एवं खंडित जोते। ये मैंने दूसरा पॉइंट कहा था, मैं आपको समझाऊंगा छोटी एवं खंडित जोते, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो खेत थे ना, वो अलग अलग छोटे छोटे खंड में वो विभाजित है। खंडित जोतों का मतलब होता है यहाँ वहाँ बिखरे टुकड़ों से है, यानी खंडित जोतों से अभिप्राय यहाँ वहाँ बिखरे टुकड़ों से है, यानी कुछ टुकड़े यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ उधर है, इस टाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, खेती बटी हुई होती थी। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण ना, जो लागत आती थी ना, वो बहुत ज़्यादा आती थी। लागत क्या आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी, जिसके कारण कृषि को बढ़ावा नहीं मिल पाया, मतलब कृषि जो में क्या है, दिक्कतें पैदा होने लग गई थी। इसके अंतर्गत जोते छोटी तथा यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती थी, जिसके कारण कृषि करने की जो लागत होती थी, जो कॉस्ट होती थी ना, बहुत ज़्यादा आती थी। क्लियर हो गया, तो दो पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर थर्ड, निर्वाह का दृष्टिकोण। निर्वाह का दृष्टिकोण मैंने कहा था, निर्वाह खेती मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था इसी डेफिनेशन कि निर्वाह खेती वो खेती होती है जिसमें फसलों का उत्पादन जो किया जाता है वो परिवार की मूल आवश्यकताओं, परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती को किया जाता था यहाँ पे, जिसके कारण जो बाजार में बेचने का जो सोचते थे ना लोग कि बाजार में कुछ बेचना है कि नहीं बेचना, तो बेचने के लिए बचता ही नहीं था। तो बाजार में बेचने के लिए क्या न्यूनतम अधिशेष बचता था, ठीक है। अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो उसकी क्या थी, कमी थी यहाँ पे, यानी बिल्कुल कम था, नीचे के डिक्रीज कर दिया मैंने। देखो नीचे ऐसी लगा दिया डिक्रीज, इसको शॉर्टकट में डिक्रीज बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, निर्वाह का दृष्टिकोण, लोगों ने देखो लोगों को बोला गया कि तुम व्यापार व्यापार के लिए रखो, है ना। बट दिक्कत ये थी कि जो लोग बेचारे फसल उगा पाते थे, तो उसमें पहले तो वो अपने लिए रखते थे, बात को समझो ना। निर्वाह के अकॉर्डिंग चले तो जो तुम उगाओगे तो पहले अपने लिए रखोगे ना, उसके बाद जो सरप्लस बचेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो खेती का बचेगा, जो एक्स्ट्रा जो अनाज बचेगा, उसी को तो बाजार में बेचोगे। अब दिक्कत यहाँ पे थी कि इतना उत्पादन होता ही नहीं था ज़्यादा, जितना उत्पादन होता था उसमें से बेचारे पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लेते थे उसको, और जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसे बाजार में बेचते थे। तो इसके कारण जो फोर्स कॉमर्शलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी ना, बाजार में धकेलने की कोशिश की गई थी कृषि को, वो भी ढंग से नहीं हो पाई थी। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते थे, मैंने बता दिया यहाँ पे कि जिसके कारण बाजार में बेचने के लिए न्यूनतम अधिशेष ही बचता था, यानी कुछ ही बच पाता था, लिटिल सरप्लस बचता था, जिसके कारण जो व्यापारिक दृष्टिकोण करने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे, उसकी क्या हो गई, कमी हो गई थी। क्लियर। अगला पॉइंट, भूमि उत्पादकता क्या होता है, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा में समझा दिया, ठीक है, ये यहाँ के पॉइंट नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो भूमि उत्पादकता अगर आपके पेपर में आए तो आपको समझ जाना है एक नंबर के लिए कि भूमि उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पाद से है।
यानी प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन करने से या फिर उत्पाद से, उसे कहते हैं भूमि उत्पादकता। क्या है? भूमि उत्पादकता। तो ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या लिखे हुए हैं, प्रति हेक्टेयर भूमि लिखा है और उस पर जो उत्पाद है ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत थी? यार देखो, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ लिया काफी आसान पॉइंट से, जो जो समझाने लायक पॉइंट हमने समझा दिए, बट अब हमें यहाँ से सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे क्योंकि आपको उनके बारे में शायद नॉलेज ना हो, ठीक है ना। क्योंकि कृषि के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें पता होती है, तो जैसे मानसून वाला पॉइंट था तो कोई भी लिख सकता है, हमें मानसून में डिपेंड रहता है, बारिश आ गई तो कर लेते थे वरना दिक्कत आती थी, है ना। ये दिक्कत है वहां पर चीज लिखी जा सकती है, बट अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवाऊंगा कॉपी में, ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हालत थी वो समझ लेते हैं। क्लियर? देखो पहला है हस्तशिल्प का पतन यानी डिके हुआ, डिके मतलब होता है पतन, और किसका डिके हुआ? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया नहीं था ना, उससे पहले इंडिया वाले बहुत जाने माने जाते थे हाथ से बनाई गई चीजों के लिए। बात को समझना, हाथ से बनाई गई चीजों के लिए इंडिया वाले बहुत जाने माने जाते थे और पूरे संसार में इसका डंका बजा बजता था कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट जो चीजें हैं बहुत अच्छी होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उसने देखा कि अगर हम अगर अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, हम अपनी गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे अगर बेचते हैं ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इंडियन मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही तबाह कर दिया। उन्हें पता था कि जब तक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह नहीं होगी, तब तक हम इनके ऊपर राज ढंग से नहीं कर पाएंगे, इनकी इंडस्ट्री को हम नहीं रोक पाएंगे। बात सुना गया? तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने हस्तशिल्प का क्या करा, पतन करा। और ये पतन करने के लिए सबसे मेन जो उन्होंने करा वो ये करा, उन्होंने क्या, विभेद मूलक नीति अपनाई इन्होंने, ठीक है ना। ये विभेद मूलक नीति क्या है, ये शुल्क से रिलेटेड है, यानी टैक्स की जो नीति उन्होंने अपनाई थी ना, वो विभेद यानी एक तरह से भेदभाव वाली निकाली थी, अपने लिए तो बेनिफिट वाली ली थी और हमारे लिए जैसे इंडिया बर्बाद हो जाए इस टाइप की चीज ली थी, इंडिया की जो इंडस्ट्री को बर्बाद हो जाए ऐसा कुछ लिया था, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश शासन काल से पूर्व यानी पहले की अगर बात करें तो भारतीय उद्योग यानी जिस पर हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट का क्या था, प्रभुत्व था, इनका डोमिनेट करते थे ये पूरी, ठीक है ना, हर जगह, तो वो पूरे संसार में प्रसिद्ध था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आगे। परंतु ब्रिटिश शासन काल ने क्या कर दिया, उसका क्रमबद्ध विनाश कर दिया, धीरे धीरे उसका विनाश कर दिया पूरी तरह से। क्या करा देखते पड़ते, इसका विनाश मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की जो विभेद मूलक नीति थी यानी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी जो टैक्स ड्यूटी से रिलेटेड, शुल्क से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, इनकी भेदभाव वाली थी। इन्होंने क्या करा पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, भारतीय बाजारों में सस्ती औद्योगिक वस्तुओं को लेके आई है। अब औद्योगिक वस्तुएं जो मशीन से बनती थी, मशीन से बनने वाले गुड्स को ये इंडियन मार्केट में लेके आए, और सस्ता क्यों, क्योंकि इन्होंने इसका जो प्रवेश किया था इंडिया के अंदर, जो प्रवेश किया था ना लेके आए थे, इंपोर्ट करा था जो इंडिया के अंदर, वो कैसे किया था, शुल्क मुक्त, ठीक है, शुल्क मुक्त यानी इसमें यार टैक्स लगा ही नहीं था। अब दिमाग लगाओ, अगर मान लो कोई चीज यहां से वो रॉ मटेरियल उठा करके अपने घर लेके गए, पहली बात समझना, इंडिया से रॉ मटेरियल लिया अपने यहाँ ले गए, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो नंगे भूखे थे उस टाइम पे, पहले ब्रिटेन वालों को कुछ नहीं आता पता था, उन्होंने तो सबका शोषण कर करके सब कुछ कमाया है। तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले गए, उसी से उन्होंने फिनिश गुड्स बनाया और वो हमारे यहाँ के बेच दिया, जब हमारे यहाँ बेचा तो उस पर टैक्स नहीं लगाया, उनको पता था कि अगर टैक्स लगाएंगे तो 10 की चीज 12 या 15 की हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, जानबूझ के यहीं से रॉ मटेरियल लेके वहाँ बनाया मशीनों से और फिर यहाँ बेच दिया, और कैसा, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री मतलब नॉर्मल जो उसकी मेन कॉस्ट थी बस उतने पे दिया, ठीक है, जो प्रॉफिट एलिमेंट था वो जोड़ा होगा बट टैक्स उसमें नहीं जोड़ा। तो इससे क्या हुआ, गुड्स सस्ता हो गया, बात समझ गया, और इंडिया वाले अब सस्ते गुड्स मिलेंगे कौन नहीं खरीदेगा भाई, इंडिया जो कोई भी खरीदेगा तो खरीदेगा, ठीक है, तो वो खरीदने लग गए, जैसे आप चाइना के गुड्स खरीदते रहते हो, ठीक है ना, क्यों, चाइना के गुड्स बहुत सस्ते होते हैं, अब इंडिया वाले उसके ऊपर इतनी सारी टैक्स लगा देता है उसके बावजूद भी वो सस्ते रह जाते हैं, बताओ, बात समझ, इतना मतलब चीप गुड्स बनाते हो कि इंडिया वाले उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा लगाने के बावजूद भी ना वो सस्ते मिलते हैं इंडिया को, ठीक है ना। तो इसलिए लोग क्या चाइना गुड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तुम्हें पता है इसी चीज के लिए, बट जाने दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाजारों में सस्ती औद्योगिक वस्तुओं को शुल्क मुक्त कर दिया। आगे, जबकि भारत में जो हस्तशिल्प होता था यानी जो हैंडीक्राफ्ट जो बनते थे हाथ से बनाने वाली बनी वाली चीजें होती थी, ठीक है, उन वस्तुओं पर क्या कर दिया उन्होंने, निर्यात शुल्क बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुड्स बनते थे ना वो बाहर विदेशों में जाते थे बहुत जगह,
तो उन्होंने क्या करा, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, यानी अपने गुड्स को जब यहाँ लाए तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, बट हमारे यहाँ से जब गुड्स बाहर जा रहा था उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि जो 10 का गुड्स हो सोचो मान लो 20-30 का हो गया, तो बाहर वाले देश कहते थे यार इतना महंगा आ रहा है तो नहीं खरीदनी, तो बाहर वाले देशों ने हमारे यहाँ से जो खरीदना था ना हैंडीक्राफ्ट वो खरीदना बंद कर दिया कि महंगे हो गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे यहाँ बढ़ा दी थी, क्लियर हो गया, जिसके कारण हस्तशिल्प का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर एक नंबर में पूछे कि आप ये बताओ कि हैंडीक्राफ्ट पे क्या क्या था, तो हैंडीक्राफ्ट पे उन्होंने निर्यात शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे हमारा जो निर्यात होता था ना जो बाहर देशों में जाता था सामान वो बहुत महंगा हो गया था, बाहर देशों में लेने से मना कर दिया था, क्लियर। और जो अपने गुड्स थे, अपने भी नहीं वो हमारे थे, एक तरीके से यहाँ से लेके जाते थे साले घुमा करके बना करके ये हमारे ही बेच देते थे, उन पर उसने आयात जो शुल्क था वो लगाया नहीं, आयात शुल्क नहीं किया, इसका मतलब क्या, जब प्रवेश किया ना मैंने आयात जब करे थे तब शुल्क मुक्त कर दिया, तो सस्ता तो होना ही था उसने। आगे दूसरा, मशीन निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ, कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट। अब खुद बताऊंगा, हम हैंडीक्राफ्ट बेचारे ऊपर से ड्यूटी बढ़ा के बाहर बेच नहीं सकते, इंडिया में बेचना है, ठीक है, तो थोड़ा कॉस्ट तो वैसे भी बढ़ जाना था क्योंकि बाहर का सारा इनकम कम हो गई है, तो यहीं कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी, और ऊपर से मशीन में इनकी मशीन थी, क्यों, ये ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो मशीन ये बहुत बड़े तादाद में चीज़ें बन रही थी, ये चीज़ें आ रही थी, अब मशीनें आएगी तो तुम्हें पता है कि जो मशीन जो गुड्स बनाती है ना वो कम लागत वाली बनाती है और बेहतर बनाती है, तुम्हें भी पता है मशीनें जो गुड्स बनाती है वो कम लागत है, जिसकी कॉस्ट कम आती है ऐसे बनाती है मशीनें, ठीक है, तभी तो मशीनों का यूज़ होती है हर जगह, क्यों, मशीन कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालती है, एक तो पहले तो कम समय में ज्यादा माल बना सकती है मशीन, अब हाथ वाला कितने कितने बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 प्रोडक्ट बनाएगा एक दिन में, पर मशीन वही लाखों बना सकती है, तो कम टाइम में ज्यादा बना लेती है, उसकी लागत भी कम आती थी, बेहतर गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बनाती थी कौन, मशीन, जिसके कारण जो भारत के जो हस्तशिल्प थे ना, हाथ से बनाने वाले उद्योग थे, उनको क्या मिलने लग गई, कड़ी टक्कर मिलने लग गई, और कड़ी टक्कर इस तरह से मिली कि बेचारे क्या है, जो जिसके कारण जो भारतीय शिल्पकार को ना भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का करना पड़ा, बंद करने पर क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि भाई जान हम नहीं टिक सकते मशीनों के सामने, तो उन्होंने क्या करा, अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद कर दिया, यानी हम पूरा प्रॉपरली जो पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या हुआ था, यानी औद्योगिक क्षेत्र में क्या हालत हुई थी। तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक पॉइंट और पढ़ते हैं इसको, फिर क्लोज करते हैं इस वाले पॉइंट को, क्लियर। आगे देखिए, अब देखो पॉइंट कितने रह गए, दो पॉइंट और रह गए, मैं तो चाहता था एक लिखवा था बट मैंने कहा लिख ही लेते हैं कौन से ज्यादा है ना, एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ आपको एक्स्ट्रा, तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दिया आपको, वैसे तीन पॉइंट है, ठीक है ना, पढ़ लेना इसको, ये बुक में मिल जाएगा, मतलब कैसे मिलेगा, ये इनडायरेक्ट वे में मिलेगा आपको, सीधे सीधे तो मिलेगा नहीं पॉइंट, ठीक है ना, कहीं छुपी हुई लाइनें मिलती है तो वो ये रहा। चलो देखते क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा ब्रिटिश माल, या उसको वस्तुएं बोल सकते हो, तो ब्रिटिश वस्तुओं के लिए अधिक बाजार, यानी अब जो ब्रिटिश के लिए जो जो प्रोडक्ट है ना ब्रिटिश, उसके लिए क्या मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, विस्तृत होने लग गई थी, कैसे, क्योंकि भारत में क्या हो गया था, रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया था, रेलवे आ गई थी, और कौन लेके आया था, अंग्रेज जी लेके आए थे, ब्रिटिश लोग लेके आए थे, तो उसने लिखा रेलवे की शुरुआत ने देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश उत्पादों के परिवहन में क्या कर दी, सुविधा प्रदान करी, यानी अब ब्रिटिश के उत्पाद को आप देश के किसी भी कोने में भेज सकते थे। बड़ी याद रखना, ये वही कोने थे जिन्होंने ब्रिटिश के लिए केस में मदद की थी, बात समझना, यानी जिन जगह जगह वाले जो लोग थे ना जिन्होंने ब्रिटिश के लिए मदद की थी कि हाँ ठीक है हम अपनी जमीन देते हैं, आप रेलवे लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, तो वहां तक तो रेलवे बहुत जल्दी गई थी, ब्रिटिश उनके फेवर में चले गया था कि हाँ ये लोग हमारे साथ हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया था, फटाफट से रेलवे बिछाना स्टार्ट कर दिया था। तो हुआ क्या था कि देखो पहले क्या होता था ना, जैसे कि दूर दराज के एरिए हैं जहां मगर अगर बारिश नहीं हुई तो फसलें नहीं होती, तो बेचारे लोग भुखमरी से मरते थे, तो अब वहां भी क्या होने लग गया था, ये प्रोडक्ट पहुंचने लग गए थे, क्योंकि रेलवे आ गया था, रेलवे तो एक बार में बहुत सारा सामान ले जा सकता है और दूर दूर तक ले जा सकता है, क्लियर। तो यही हुआ यहाँ पे कि रेलवे की शुरुआत ने देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश उत्पादों के परिवहन में क्या कर दी, सुविधा प्रदान कर दी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो कम लागत वाले ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, यानी जो ब्रिटिश के जो उत्पाद थे कम लागत वाले, उनके लिए जो बाजार का आकार था वो विस्तृत होने लग गया, विस्तृत मतलब होता है एक्सपेंड होने लग गया, एक्सपेंशन हो गया उसका, क्लियर। जबकि जो उच्च लागत वाले किसके, भारतीय उत्पाद जो उच्च लागत वाले थे, ऊंची कीमत वाले थे, उनके लिए बाजार सिकुड़ने लग गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, क्यों लग गया, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने यानी कम होने लग गया, ठीक है ना, यानी बाजार का आकार इनके लिए बढ़ गया ब्रिटिश के प्रोडक्ट के लिए, और हमारे लिए क्या हो गया, कम होने लग गया, जिसके कारण उद्योग का क्या हो गया, छह मतलब विनाश लिख लो, छह लिख लो, होने लग गया, क्लियर। उसके अलावा मांग के पैटर्न में परिवर्तन, यानी मांग का जो तरीका था ना, स्ट्रक्चर था ना, उसमें चेंज होने लग गया, ढांचे में परिवर्तन होने लग गया, तो पैटर्न का आप शुद्ध मीनिंग देख सकते हो, और शुरुआत ऐसे ही लिखते हैं या शुरुआत में अ आता है वो प्लीज आप चेक कर लेना, ठीक है, मैंने शुरुआत जो लिखा है अगर अ आता है तो फिर अ कर देना यहाँ पे वॉ की जगह, ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से शायद यही होता हो,
ठीक है ना। चलो तो मांग के पैटर्न, पैटर्न मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसका ढांचा था ना, उसमें चेंज कर दिया। कैसे चेंज आया वो देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन काल के कारण भारत में लोगों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। अब ये नहीं बोलूंगा एलियन पैदा नहीं हुए थे, मतलब ये हुआ था कि अब ऐसे लोग, मतलब ऐसी सोच होने लग गई थी लोगों ने, सोच मेंटेलिटी चेंज होने लग गई थी। कैसे लोग क्या है, ब्रिटिश उत्पादों को प्रेफर करने लग गए थे, इंडियन उत्पादों को मना करने लग गए थे ना, इस टाइप की सोच वाले लोग कि अब तो हम वही लेंगे क्योंकि सस्ते हैं, ठीक है, और हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप के सोच वाले लोग जो है ना, ऐसी इस फैशन को हम लेने को तैयार हैं, ये करने को तैयार है। तो इस टाइप के लोग ना आने लग गए थे, मतलब एक तरह से क्या, ऐसी सोच वाले लोग उभरने लग गए थे। अब जब ऐसी सोच बनेगी तो गारंटेड है, जैसे भारतीय उद्योगों के उत्पाद के तो खिलाफ कर दिया लोगों को, भारतीय उद्योगों के जो उत्पाद होते थे ना, यानी जो भारतीय प्रोडक्ट थे उसके तो खिलाफ कर दिया, और जो ब्रिटिश उत्पाद थे ना उसके पक्ष में कर दिया लोगों को। अब बताना, सारे लोग जो था ब्रिटिश के जो गुड्स थे उनके पक्ष में जाने लग गए थे बहुत सारे लोग, और जो इंडियन प्रोडक्ट थे उसके अगेंस्ट जाने लग गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, पर भारतीय उद्योग क्या हो गया, नष्ट होने की ओर बढ़ने लग गया। बताओ, तो ये चार पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि एक नई तरह सोच वाले लोग उभरने लग गए थे, जिसके कारण जो उनकी जो वो जो लोग थे ना, वो ब्रिटिश गुड्स यानी ब्रिटिश उत्पादों के तो फेवर में चले गए और इन पक्ष में चले गए, और इंडियन उत्पादों के क्या हो गए, विपक्ष में चले गए, यानी उसके अगेंस्ट चले गए, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी अपनी भारतीय इंडस्ट्री जो थी वो नष्ट होने लग गई। तो हमने इंडस्ट्री के लिए चार पॉइंट पढ़ लिए। इसके अंदर से अगर कोई पॉइंट पूछे ना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको, आई थिंक शायद यूट्यूब पर ना भी मिले कहीं भी इतने डिटेल में आपको, ठीक है ना। तो प्लीज इनको नोट डाउन करो। मैंने कहा था चैप्टर पूरा करवाने के बाद मैं आपको एक नंबर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जहां तक तो हो सके, या फिर बाद में कराऊंगा, बाद में मतलब 2-3 चैप्टर के बाद, या फिर इसी चैप्टर के बाद ही करा दूंगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अभी और भी बचा है चैप्टर, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार बड़ी वीडियो बना दी तो आप सोने लग जाओगे यहीं पर, ठीक है, जो जो लिख रहा हूँ वहीं सोने लग जाएगा। तो यहीं पे देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको खत्म करेंगे, तो अगला पार्ट बनाते हैं, ठीक है, एक आध दिन में वो भी आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।